हुथी पर हुए जबरदस्त हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावनी दी है। ईरान और हुथी ने मिलकर ऐलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रहे हैं। पर खूनी हमले, अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट से लेकर मध्य पूर्व एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं। मिडल ईस्ट में इजराइल हमास को लगभग 100 दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमास अभी भी इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इधर मध्य पूर्व एशियाई देश यमन में मौजूद हूथी विद्रोहियों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा कदर काटा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल समेत 15 देश हूथी के हमलों से कांप रहे हैं। यमन से गाजा तक कांपे 15 देश। लाल सागर में यमन के हूथी लड़ाके न सिर्फ अमेरिका और इजराइल के कार्गो पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर रहे हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। लगभग 2000 से ज्यादा कार्गो शिप ने लाल सागर में हूथी के खौफ से जाना बंद कर दिया है। हूथी ने लाल सागर में अपने हमलों से ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूथी के ठिकानों पर बेतहाशा हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूथी पर किस तरह से हमले किए, जरा इस एनिमेशन से जान लीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में घुसकर हूथी पर भयानक हमले किए हैं। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक युद्धपोत से टॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाकू जेट से हूथी के ठिकानों पर हमला किया गया है। दावों के मुताबिक यमन में हूथी की 16 लोकेशन पर 60 से ज्यादा टारगेट्स को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर तबाह किया है, जिसकी वजह से हूथी को भारी नुकसान हुआ है। हूथी के अधिकारी हुसैन अल एजी ने स्वीकार किया है कि अमेरिका और ब्रिटेन जहाजों, पनडुब्बियों और युद्धक विमानों ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावों के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के हमले में हूथी के कम से कम 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का यह हमला हूथियों पर हाल के दिनों में सबसे बड़ा हमला है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस हमले को बेहद जरूरी बताया है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा है कि यह हमले लाल सागर में हूथियों द्वारा मालवाहक जहाजों पर किए जा रहे अभूतपूर्व हमलों का सीधा जवाब है। इतिहास में पहली बार जहाजों पर हमलों में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। हूथियों के हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बाइडेन ने आगे कहा है कि लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं हटूंगा। हूथी का बदला लेगा ईरान, लाल सागर में विश्व युद्ध।
अमेरिका और यूके के हमलों के बाद हूथियों ने भी जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। हूथी उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने कहा है कि यमन पर हमला करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हूथी विद्रोहियों के कमांडर ने साफ कहा है कि अमेरिकी और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है, जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। لن نتردد إن شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الأمريكي أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا الرد أكبر من ذلك وأكثر من ذلك अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहद बारीकी और गौर के साथ देखिए, क्योंकि इसका पूरा कच्चा चिट्ठा अब हम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल लाल सागर, ये लाल सागर है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। हूती इस वक्त अमेरिका और इसराइल समेत 15 देशों के मालवाहक जहाज यानी कार्गोशिप कौन सी टारगेट कार्गोशिप जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे, इस पर जबरदस्त खौफनाक हमले हूती के जरिए किए जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि शिया संगठन चरमपंथी संगठन हूती कार्गो जहाजों पर एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले देखे किस तरह से किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ब्रिटेन समेत 15 देशों के जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि टारगेट में है ये कार्गो शिप और इसमें 15 देश शामिल हो चुके हैं जिन्हें ये नुकसान यहां पर उठाना पड़ा। हूती ड्रोन से भी जहाजों पर हमले यहां पर किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका का जो दावा है वो यहां पर समझ लेना जरूरी हो जाता है। देखिए, यह पूरी अदन की खाड़ी है, क्योंकि धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक कार्गो शिप पर टारगेट करके किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका का दावा यह है कि हूती को यह ड्रोन ईरान दे रहा है, यानी कहीं और से नहीं बल्कि ईरान से उसके पास पहुंच रहे हैं। जानकारी यह भी दे दे कि शिया देश ईरान हूती के शिया लड़ाकों को अमेरिका और इसराइल पर खौफनाक हमला करने के लिए जमकर हथियार दे रहा है, और हूती सबसे ज्यादा हमले लाल सागर में कर रहा है, यानी कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं, जहां भारी नुकसान भी हो रहा है, जहां से दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के कार्गो शिप गुजरते हैं। और इसके अलावा अरब सागर में भी हूती ने अपने खौफनाक हमले जो हैं वो और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। टारगेट कार्गो शिप जो है वो जलकर खाक यहां पर हो रही है, जिससे ये जो इलाका है वो जंगी इलाके में तब्दील होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, जो इन तीन तस्वीरों के जरिए आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि ड्रोन अटैक, टारगेट कार्गो शिप, और यहां पर भी देखिए टारगेट कार्गो शिप की बात हम कर रहे हैं।